की एक खूबी जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया वो ये भी है कि जो मर्द है वो औरत का रूप धार लेता है, यानी मर्द हिंदी शायरी में औरत का रूप धार लेता है। उसका सबूत मैं आपको बताऊंगा इस शेर के बाद। हर हर चुरिया अरे गोरी गोरी बैया, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए वाके, खुसरो निजाम, खुसरो निजाम के, अरे खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो थोड़ी सी आवाज जो है वो ये हमारी संगीता जी की मेहरबानी है जो मैं यहाँ गा रहा हूँ, वरना आवाज इस काबिल नहीं है। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल 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 जाइए, अरे बल बल जाइए रे बैठिए बाप, कहा था कि हिंदी शायरी की खूबी वो मिसरा गया है। खुसरो निजाम
क्योंकि हजरत अमीर खुसरो तो एक मर्द थे ना, जेंट्स थे, लेडीज नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि खुसरो निजाम के बल बल जाइए, क्यों मोहे सुहागली की खुसरो निजाम के बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बल बल जरूरी है नैना मिला के, इसके नैना मिलाने के मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाज बता रहा हूं। मुंह से नैना मिला के, एक पंजाबी का शेर याद आ गया मुझे। देखिए मैंने आपसे कहा था कि किसका शेर याद आया पंजाबी का, वो भी बाबा बुल्ले शाह का, वो भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं पंजाब के अंदर, बाबा बुल्ले शाह। ये सब एक ही है, देखने में अलग अलग हैं कि वो पंजाबी हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान, कुछ नहीं, सब एक हैं। अच्छा तमीर खुसरो हो, कबीरदास हो, बाबा बल्ले शाह हो, सूरदास हो, या कोई भी हो, नैना मिला के मजनू नूर आशिक कहंदे वे तेरी लैला रंग दी काली, मजनून नूर आशिक कहंदे वे तेरी लैला रंग दी काली, मजनून नूर आशिक कहंदे वे तेरी लैला रंग दी काली, जुठा जवाब मिया मजनू वे तेरी अख नहीं वे खणवाली, दिता जवाब मजनू ने जवाब दिया कि लैला का रंग काला है लेकिन लैला को मेरी आंखों से देखो वो कितनी खूबसूरत है। मजनू नूर आशिक कहते वे तेरी लैला रंग दी काली, और जुठा जवाब मिया मजनू वे तेरी अख नहीं वेखण वाली। मजनू ने जवाब दिया कि कुरान शरीफ दे वरकत चिट्ठे, उसने कहा कि कुरान शरीफ जो लिखा गया है उसकी भी तो स्याही काली है, कुरान शरीफ दे वरकत चिट्ठे वे उथे लिखी हुई स्याही काली, और वे बोलिया जिथे दिल अड़िया उथे की गोरी और की काली। आए हे नैना का मकसद यह है कि कव्वाली के अंदर यह भी एक अंदाज होता है। नैना के अंदर इतनी गुंजाइश है, ये जो मिसरा है ना, मिसरा समझते हैं आप, ये जो पंखड़ी है नैना मिला के, हम चाहे तो इसको कम से कम 2 घंटे तक 3 घंटे तक भी गा सकते हैं, इसमें शेर लगा लगा कर। यहां तो मैं ऐसा नहीं करूंगा,
नए नाम मिला के एक आखिरी शेर लगा रहा हूं उर्दू का। कहा एक शख्स ने, चाचा ने पंजाबी में शेर सुनाया है आपको, उनके जवाब में एक शेर ये है उर्दू का, ये जवाब है उसका। कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है। कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है। कहा मजनू ने क्या वो देखना मुझको ही चाहता है। तो भला ये कैस दीवाना, मजनू का सही नाम था कैस, भला ये कैस दीवाना खुदा के पास क्यों जाए।